नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के गंडई में एमपी से कार में ला रही अवैध शराब पकड़ी। कार का पीछा कर मोहगांव पुलिस ने जीराटोला के पास शराब पकड़ी। मोबाइल सहित कुल कीमत 5,74,146 रुपए के साथ पकड़ा। गंडई के मोहगांव थाना प्रभारी सतीश पुरिया को मोबाइल पर जानकारी मिली कि स्विफ्ट कार के चालक के द्वारा मध्य प्रदेश से अवैध रूप से शराब भरकर परिवहन करते हुए सालेवारा की ओर से मोहगांव की ओर आ रही है, जिसके सामने का कांच टूटा हुआ है, जिस पर घेराबंदी की गई। पकड़ में नहीं आने पर पीछा किया गया और जीराटोला के पास पकड़ा गया, जिसमें 1,58,146 की अवैध शराब थी। शराब, गाड़ी और मोबाइल को जब्त किया गया। सालेवारा थाना प्रभारी सतीश पुरिया ने मामले पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और घेराबंदी कर कार तेज रफ्तार से घेराबंदी से बच निकली, जिसके बाद कार का पीछा किया गया और जीराटोला मुख्य मार्ग में कार को पकड़ा लिया। कार में बैठे दो लोग से पूछताछ करने पर संदीप कुमार साहा पिता ओम प्रकाश साहा उम्र 25 साल निवासी लक्ष्मीनगर सब्जी मार्केट के पास सुपेला भिलाई जिला दुर्ग तथा साइड सीट पर बैठे व्यक्ति अमित सिंह पिता स्वर्गीय राम सिंह उम्र 38 साल निवासी शांति नगर सड़क 0 जैन मंदिर सागर वॉशिंग पॉइंट के सामने वैशाली नगर भिलाई जिला दुर्ग का रहने वाला बताया। कार की तलाशी लेने पर मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी गोवा विस्की का 30 कार्टून शराब मिली, जिसकी कुल कीमत 1,58,146 रुपये की शराब एवं 4 लाख की कार और 2 मोबाइल 16,000 के को जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 5,74,146 रुपये की जब्त कर आबकारी एक्ट कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। गंडई जिला ब्यूरो, विनोद नामदेव की रिपोर्ट।